नशा कैसा हो सकता है और इस समय क्यों ज़रूरत है हमें इस नशे से दूर रहने की। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके बीच नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जो बात ज़रूरी है वो ज़रूर आपके बीच कहने का प्रयास करूंगी और आप सब तक वो बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले जो हम लोग कहते हैं कि पहले के लोग बड़े बड़े नशे कर लेते थे और उसके बाद भी उनकी सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं होता था, या यदि होता था तो जिनकी सेहत पर असर होता था उनसे हम सीख ले सकते हैं और जिनकी सेहत पर असर नहीं होता था हम उनके बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा क्या होता था। पहले खान पीन मीन्स उनका खाना पीना इतना सेहतमंद होता था कि लोगों को इस तरह की परेशानियां नहीं होती थी, वो अपने नशे जैसे शौक को भी पूरा कर लेते थे। लेकिन आजकल जब हम खाने पीने पर इतना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए नशे से दूर रहना चाहिए। तो आज का काव्य पाठ, आज की पंक्तियाँ मैं इसी बात के संदर्भ में आप तक पहुँचाऊँगी। दोपहरी से यौवन पर भी ढलती शाम लिखा होगा, दोपहरी से यौवन पर भी ढलती शाम लिखा होगा, मुस्कानों का अश्कों ने कुछ तो अंजाम लिखा होगा, मुस्कानों का अश्कों ने कुछ तो अंजाम लिखा होगा, नशे से जिस दिन जोड़ा होगा तुमने अपना ये रिश्ता, नशे से जिस दिन जोड़ा होगा तुमने अपना ये रिश्ता, एक निमंत्रण पत्र कैंसर के भी नाम लिखा होगा, एक निमंत्रण पत्र कैंसर के भी नाम लिखा होगा, एक निमंत्रण पत्र कैंसर के भी नाम लिखा होगा। नशा का मतलब ही यही है कि आपको अपनी सेहत और कई बार अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। कहती हूँ सुनिएगा कि शकल पर झुर्रियों के संधली से हत कहर देगा। क्या है ये नशा? कुछ लोग कहते हैं कि गम भुलाने की दवा है नशा। ये गम भुलाने की यदि दवा है तो मेरी ये पंक्तियां जरूर सुनिएगा। कहती हूँ कि शकल पर झुर्रियों के संधली से हत कहर देगा, धुएं का संग जीवन में धुएं सा ही असर देगा, शकल पर झुर्रियों के संधली से हत कहर देगा, धुएं का संग जीवन में धुएं सा ही असर देगा, धुएं का संग जीवन में धुएं सा ही असर देगा, जिसे समझा है तुमने गम भुलाने की दवा सुन लो, जिसे समझा है तुमने गम भुलाने की दवा सुन लो, जिसे समझा है तुमने गम भुलाने की दवा सुन लो, जहर है ये वही सौगात में जो कैंसर देगा, जहर है ये वही सौगात में जो कैंसर देगा, जहर है ये वही सौगात में जो कैंसर देगा। एक बात कहती हूँ, मुझे बहुत शानदार बात याद आई है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, वो जगह जगह यदि उन्हें ताजमहल भी भेज दिया जाए तो वो थोड़े दिनों में उसे लाल किला कर देंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और उन लोगों को समर्पित करती हूँ जिन्हें ये सेंस ही नहीं है। पहली बात तो उन्हें खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यदि खा करके उन्हें कहीं भी वो थूक देते हैं, तब मैं एक बात कहती हूँ, सुनिएगा, आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ। खाक अपने जिस्म का गुलदान कर दिया, अपना वजूद इस कदर वीरान कर दिया, अपना वजूद इस कदर वीरान कर दिया, खाकर तंबाकू चाहे जहां थूकते हैं लोग, खाकर तंबाकू चाहे जहां थूकते हैं लोग, उन लोगों ने ये देश पीक दान कर दिया, उन लोगों ने ये देश पीक दान कर दिया, उन लोगों ने ये देश पीक दान कर दिया। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ
ये किसी के भी वश में नहीं है। आप यदि ठान लेंगे, आप संकल्पित हो जाएंगे, आप व्रत ले लेंगे कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपने परिवार के साथ हमेशा रहना है, तो खुद आप अपने संकल्प से इस व्यसन से दूर रह सकते हैं, ये नशा, इस बुरी आदत से दूर रह सकते हैं, वो भी आप अपने संकल्प से। तो ये संकल्प आपका होगा। हाँ, मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि किसी तरह से, किसी भी तरह से आपको ये बता सकूँ कि नशा बुरी बात है, और हम सब मिलकर यदि प्रयास करें, मैं प्रयास कर रही हूँ, आप भी अपने आसपास वालों को इस बारे में समझाएं, आप भी प्रयास करें, क्या पता आपके एक प्रयास से किसी की जिंदगी बच जाए। तो मेरा साथ दें, मेरे इस प्रयास में आप भी सम्मिलित हो। तो ये आपके हाथ में है कि नशे से कैसे दूर रहना है। नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है, और ये प्रयास कि हम खुद भी दूर रहें और दूसरों को भी इस बात से दूर रखें, ये प्रयास आपको करना है। आप कैसे कर सकते हैं? केवल खुद को दूर नहीं रखना है, दूसरों को भी दूर रखने की की सलाह देनी है, दूर रखने के प्रयास करने हैं। आशा है आपको मेरी ये बात समझ में भी आई होगी। अब मैं बताती हूँ नशा करना कौन सा चाहिए, तो वो ज़रूर सुन लीजिए जो नशा करना चाहिए। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ, आपको पसंद आएंगी मैं जानती हूँ। सुनिएगा कि मिला दे खुद से खुद को जो, मिला दे खुद से खुद को जो, इबादत का नशा है वो। मिला दे खुद से खुद को जो, इबादत का नशा है वो। खुशी के संग गम भी दे, मोहब्बत का नशा है वो। खुशी के संग गम भी दे, मोहब्बत का नशा है वो। नहीं है बात वो साकी के पैमाने में भी अंबर, नहीं है बात वो साकी के पैमाने में भी अंबर, है हर लम्हा खुमारी का, है हर लम्हा खुमारी का, तेरी लत का नशा है वो। है हर लम्हा खुमारी का, तेरी लत का नशा है वो। है हर लम्हा खुमारी का, तेरी लत का नशा है वो। तो नशे बहुत तरह के होते हैं, जिनसे सेहत खराब नहीं होती, जिनसे मन खराब नहीं होता, वो नशे करना बहुत ज़रूरी है। एक और नशा मैं कहना चाहूँगी जो करना बहुत ज़रूरी है, जो हम सबको करना बहुत ज़रूरी है, तो ये वाला नशा आप भी कीजिए। कहती हूँ सुनिएगा कि नशा है देशभक्ति का, चढ़े तो छा ही जाता है। नशा है देशभक्ति का, चढ़े तो छा ही जाता है। जो लावा फूटता है तो सितम तो ढा ही जाता है। जो लावा फूटता है तो सितम तो ढा ही जाता है। छुपा लो वक्त की चादर में सच कितने ही गहरे तुम, छुपा लो वक्त की चादर में सच कितने ही गहरे तुम। जो सच है वो तो सच है, खुद जुबां पर आ ही जाता है। जो सच है वो तो सच है, खुद जुबां पर आ ही जाता है।